आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उच्च शिक्षा में मुक्ति शिक्षा अति आवश्यक है। समाज में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षितों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुक्ति शिक्षा आवश्यक है। क्षेत्रीय केंद्र आजमगढ़ द्वारा आयोजित अध्ययन केंद्र समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला में प्रोफेसर सीमा सिंह, कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मात्र एक विश्वविद्यालय है जो हर वर्ग हर समाज को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षित करने का माध्यम है। उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा एक उपयोगी माध्यम है। अतः समस्त अध्ययन केंद्र महाविद्यालय को चाहिए कि छात्रों को अधिक प्रवेश हेतु प्रेरित करे। कार्यक्रम में उपस्थित परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि परीक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, मुक्त विश्वविद्यालय समय से वर्ष में 2 बार परीक्षा कराती है। समय से छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम भी दे दिया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने सभी उपस्थित अतिथि प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय केंद्र समन्वयक आजमगढ़ डॉक्टर श्याम दत्त दुबे ने अतिथियों का परिचय कराया, संचालन घनश्याम दुबे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद ताहिर उपाचार्य और डॉक्टर सफी उज्मा, डॉक्टर दयाशंकर यादव, सच्चिदानंद यादव, इंद्रभूषण पांडे, अवनीश चंद्रा, राजेश यादव, डॉक्टर अखिलेश दुबे, सतीश सिंह, मोहम्मद जाहिद, धीरज श्रीवास्तव सहित अनेक प्रबंधक, प्राचार्य व अध्ययन केंद्र समन्वयक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति हूँ और हमारे 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं और इसमें से एक क्षेत्रीय केंद्र जो है आजमगढ़ है। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के संबंध में हम लोग एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा आज के समय में, जबकि कोरोना काल विशेष रूप से, कितनी महत्वपूर्ण है और हम घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग किसी वजह से, किसी कारण से पहुँच नहीं पाते हैं विश्वविद्यालय तक, जो परम्परागत विश्वविद्यालय वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन सबके लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले और जो हमारा सबको शिक्षा प्रदान करने का जो लक्ष्य है हमारे देश का, उसकी पूर्ति इस माध्यम से भी हो सके। यहाँ पर हम जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं या नौकरी पेशा लोग हैं जो समय के अभाव में नहीं पहुँच पाते विभिन्न विश्वविद्यालयों में, इवन हमारे जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनके लिए हमने मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की। कोरोना काल में जो लोग अभिभावकों की, जिनकी मृत्यु हो गई या जो महिलाएँ विधवा हो गई हैं, उनके लिए भी हमने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। तो हमारा लक्ष्य यही है कि सभी तक शिक्षा पहुंचे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो जब चाहें जहां चाहें शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हमारा तो यही मोटो है कि आप जहां हम वहां, आप जहां हैं हम शिक्षा लेकर आपके पास पहुंचेंगे और आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो आज कार्यशाला आजमगढ़ में आयोजित की है, उसमें क्या लक्ष्य? ये कार्यशाला मुख्य रूप से तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में लोगों को उस प्रचार प्रसार से संबंधित है और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे विभिन्न 156 जो अध्ययन केंद्र हैं उनके हम लोगों ने समन्वयों को यहाँ बुलाया है। उनको जो समस्याएं आती हैं अपने कार्य करने में, जैसे परीक्षा से संबंधित हो या SLM से संबंधित हो या प्रवेश से संबंधित, तो हम उनसे मिलकर जानना चाहते हैं, उनके सुझाव लेना चाहते हैं किस प्रकार से हम और बेहतर कर सकें अपने विश्वविद्यालय या इस दूरस्थ शिक्षा को। इसके लिए भी हम उनसे सलाह लेना चाहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहते हैं। मैम, पिछले 2 साल लगातार कोरोना रहा, कोरोना में बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ा, रिजल्ट कितने प्रतिशत रहे? जी, जहाँ तक कोरोना काल की बात है, हमारा जो दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, हमारे शिक्षा का माध्यम दूरस्थ शिक्षा है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि आज जो परंपरागत विश्वविद्यालय है उन्होंने हमारी कॉपी की, क्योंकि हमारा छात्र तो पहले से घर में था, हम उसको प्रिंटेड मटेरियल भेज देते थे और वो
आके एग्ज़ाम देता था। बीच में जो स्टडी सेंटर एक महीने या कुछ समय के लिए उनको फेस टू फेस मोड में उनसे बात करते थे, उसमें थोड़ी बाधा पहुंची, लेकिन उसके लिए हमने ऑडियो वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ पूरी तैयार कराई है, उस पर काम चल रहा है, और ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था हमने की है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम पहले से ही मुक्त थे, दूरस्थ थे और उस रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, दे रहे थे बालकों को या शिक्षार्थियों को। नहीं जुड़े हुए हैं राज्य चंडन के बारे में, अभी नहीं जानते हैं जी, कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं और कौन कौन से कोर्स हैं उनके लिए? हमारी वेबसाइट है जो उसका अभी हमने नया कलेवर दिया है और उसमें सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है सबका पूर्ण विवरण है कि वो 127 पाठ्यक्रम हमारे हैं जिसमें कि यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, सबकी पूरी लिस्ट है। और ये जो काम हम भी क्षेत्रीय केंद्रों में जा रहे हैं ये भी एक समझिए प्रचार प्रसार का ही माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को पता लगेगा कि इस प्रकार का भी कोई विश्वविद्यालय है जहाँ पर हम बिना गए या दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी कारण से सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, भौगोलिक की वजह से, परिस्थितियों की वजह से या पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो हम शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको हम करके और कुछ व्यवसाय का भी प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।